नमस्कार दोस्तों स्टडी समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी बायोलॉजी में दोस्तों हम लोग बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज और फंगल डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर देखने के बाद अदर पैरासिटिक डिजीज हम लोग देखेंगे जो पैरासाइट से बीमारियाँ होती हैं जैसे प्रोटोजोआ और निमेटोड से तो देखिए बिसाइड्स वायरस बैक्टीरिया एंड फंगस सम मेंबर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ प्लेटी हेलमिंथस एंड निमेटोड आर रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट डिजीजेज अब आगे देखिए दोस्तों सम पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाजमा टोक्सोप्लाजमा गोंडी एंड प्लाज्मोडियम स्पेशल कैन काज डिफरेंट कैन काज डिजीज डायरेक्टली बट अदर ऑर्गेनिज्म कैन काज डिजीज बाय द टागजींस दैट दे आर प्रोड्यूस चलिए आगे चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासिटिक डिजीज आर एज फालोज मलेरिया मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इट इज टाइपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिज़ मास्कीटो मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग टाइपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिज मास्किटो इन्फेक्टेड मास्किटोज कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट

तो ये होस्ट होते हैं दोस्तों चलिए आगे चलते हैं वंस द पैरासाइट्स आर इन साइड द बॉडी दे ट्रेवल टू द दीवर वंस द पैरासाइट्स आर इनसाइड द बॉडी दे ट्रेवल टू द दीवर वेयर दे मेच्योर आफ्टर सेवरल डेज द मेच्योर पैरासाइट्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड बिगिन टू इन्फेक्ट

पैरासाइट्स कंटिन्यू टू इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन सिम्टम्स दैट आकर इन साइकिल्स दैट लास्ट टू टू थ्री डेज एट ए टाइम ठीक है ना क्या कह करें पैरासाइट्स कंटिन्यू टू इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन सिम्टम्स दैट आकर इन साइकिल्स दैट लास्ट टू 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 थ्री डेज एट टाइम्स Malaria is typically found in tropical and subtropical climates where the parasites can live. There are four kinds of There are four kinds of malaria parasites that can affect uh, that can infect humans. There are four kinds of मलेरिया पैरासाइट्स दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल पी मलेरियाई एंड पी फाल्सीपेरम यूनिशेल्ड प्रोटोजोआ पी फाल्सीपेरम काज ए मोर सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज एंड दोज हूँ कॉन्टैक्ट दिस फार्म ऑफ मलेरिया हैव ए हाई रिस्क ऑफ डेथ तो ये चार प्रकार के पैरासाइट्स होती है चलिए आगे चलते हैं एन इन्फेक्टेड मदर कैन ऑल्सो पास द डिजिट टू हर बेबी एट बर्थ एन इन्फेक्टेड मदर कैन ऑल्सो पास द डिजिट टू हर बेबी एट बर्थ दिस इज नोन एज कंजेंटल मलेरिया दिस इज नोन एज कंजेंटल मलेरिया मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड सो इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू एन आर्गन ट्रांसप्लांट ए ट्रांसफ्यूजन ब्लड का जो एक दूसरे को देते हैं यूज ऑफ सियर्ड नीडल्स आर सीरिंज इनके माध्यम से भी मलेरिया फैल सकती है द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया टाइपकली डेवलप विद इन टेन डेज टू फोर वीक्स फॉलोइंग द इन्फेक्शंस In some cases symptoms may not develop for several months some malaria parasites can enter the body but will be dormant for a long period of time common symptoms of malaria include shaking chills shaking chills that can range from moderate to severe high fever profuse sweating एंड ओमिटिंग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों मलेरिया कैन काज इन नंबर ऑफ लाइफ थ्रीटनिंग कॉम्प्लिकेशंस द फॉलोइंग में आकर स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसेल्स ऑफ द ब्रेन और सेरेब्रल मलेरिया आर सेरेब्रल सेरेब्रल मलेरिया मलेरिया एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन दी लंग्स दैट काजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम आर पल्मोनरी ओडिमा पल्मोनरी ओडिमा ऑर्गन फेल्योर ऑफ द किडनी लीवर स्प्लीन अनेमिया ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी लो ब्लड शुगर ये सब मलेरिया के लक्षण है दोस्तों आप देखिए रोनाल्ड रूस ये बीमारी जो है रोनाल्ड रूस वाज ए ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर द प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन जीरो टू फॉर दिस वर्क ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया डिस्कवरी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट्स इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ मॉस्किटो

जो क्या करना कि मच्छरदानी लगाकर ठीक है ना मच्छर किसी प्रकार से मच्छर काटने से आपको बचना है मच्छर आपको ना काट पाए तो मॉस्किटो रिपेलेंट पैरेथ्रम का उपयोग कर सकते हैं और जाली को, आ, मच्छर का मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं क्यू नाइन इज ए मेडिसिन इज टू ट्रीट मलेरिया इट वॉज़ फर्स्ट आइसोलेटेड इन एट्टीन ट्वेंटी फ्रॉम द ए बार कप ट्री सम एंटी मलेरियल ड्रग आर क्लोरोक्वीन अमोडायाक्वीन ऑटोवा कोने प्रोगुआनील सल्फोन एमाइड्स सल्फोन एमाइड्स और ये क्या दोस्तों मेफ्लो, मेफ्लोक्वीन प्राइमा क्वीन आर ऑल्सो यू टू क्योर मलेरिया तो ये दवाइयों का नाम है दोस्तों यूज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मलेरिया इज नोन एच केमो केमो प्रोफिलैक्सिस दिस ड्रग शुडी यूड रेगुलरली इन मलेरिया अफेक्टेड रिजन्स टू इरेडिकेट द एनाफिलिज मास्किटो पैरासाइट अच्छ पेस्टिस अचैज डी डी टी शुड बी ठीक है एनाफिलिज मास्किटो डी डी टी शुड बी यूज मास्कीटो लारवाटिंग फिश गैम्बूसिया एफिनिश ये मच्छरों को खाती है मॉस्किटो लार्वा ईटिंग फिश अफिनिस इज गैम्बूसियाज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो चलिए आगे बढ़ते हैं डग आर ऑल्सो हेल्पफुल इन इरेडिकेटिंग द लार्वा ऑफ मॉस्किटो वर्ल्ड मलेरिया डे इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेंस टेड इवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल एंड रिकोगनाइज ग्लोबल इफेक्ट ऑफ टू कंट्रोल मलेरिया तो पच्चीस अप्रैल को दोस्तों मलेरिया दिवस मनाया जाता है अब देख रहे हैं कि मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है काला आजार अगली बीमारी है दोस्तों काला आजार विरल लेस मेनियार लेस मेनियासिस काला आजार इज ए डिजीज काज बाई प्रोटोजोन पैरासाइट्स ऑफ जीनस लेसमेनिया इट इज ए क्रोनिक एंड पोटेंशियली फटल डिजीज चीफली आफ ट्रोपिकल एरिया पैरासाइट्स प्राइमरली इन्फेक्ट द रेटिकुलो इंडोथियल सिस्टम रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम इंडोथेलियल सिस्टम एंड मे बी फाउंड इन एबंडेंस इन बोन मैरोपिन एंड लीवर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ काला आजार इज लाइट कलर्ड पर्सन्स सोच ग्रेस डिसकलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ हैंड लाइट कलर्ड पर्सन सो ग्रेस डिसकलरेशन ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स फीट ऑफ डोमेन फेस विच गिव द इंडियन नेम काला आजार मीनिंग ब्लैक फीवर सम सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर लॉस ऑफ वेट इंफ्लोमेशन ऑफ लीवर एंड स्प्लिन चलिए आगे चलते दोस्तों पैरासाइट पैरासाइट लिव द मल्टीपल इनसाइट parasite lives and multiplies inside the female sandfly. parasite lives and multiplies inside the female sandfly. Phlebotomus argentipes. this insect is most active in humid environment during the warmer डाउन। डोमेस्टिक एनिमल सच एज डाग्स कैन सर्व ए रिजर्वयर फॉर द पैरासाइट डोमेस्टिक एनिमल कैन डॉग सर्व एज ए रिजर्वर फॉर द पैरासाइट ट्रांसमिशन में आकर फ्रॉम एनिमल टू सैंड फ्लाई टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में आकर फ्रॉम एनिमल टू फ्लाई टू ह्यूमन ह्यूमन्स कैन आल्सो ट्रांसमिट द पैरासाइट बिटवीन इच अदर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर सेयर डिजीज दिस डिजीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया काला आजार चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अब देखिए स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी इसमें नींद बहुत आती है क्या कह रहा है स्लीपिंग सिकनेस एंड इन्फेक्शियस डिजीज कॉमन इन ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल अफ्रीका आइदर आप द टू ट्राइप ट्राइपेनोसोम्स ट्राइपेनोसोमा गैम्बियस आर ट्राइपेनोसोमा रोडेसियंस दैट आर ट्रांसमिटेड बाई द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई सीसी फ्लाई मछली होती है सीसी फ्लाई जीनस ग्लोसिना दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज अफ्रिकन ट्राइपेनोसोमियास अफ्रिकन ट्राइपेनोसोमियासिसिस इट इज करेक्टराइज बाय फीवर ट्राउजीनेस एंड कोमा इजली एंडिंग इन प्रोलांग्ड कोमा एंड डेथ Sleeping sickness is characterized by two stages of illness. In the first stage, infected person typically experience fever, headache, muscle and joint pain and inflammation of lymph nodes. Second stage which develops within several weeks. T-Rhodescence. Are within one or two years. T. Gambians is marked by involvement of brain and spinal cord, accompanied by personality changes, sleep disturbance, and prolonged lethargy, lack of energy and enthusiasm, frequently end, ending in death when well left untreated. तो जब ये इसका इलाज नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगी आपको मौत तक भी लेके जा सकती है अब देखिए ट्राइपेनोसोमा इज ए मेंबर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा इज ए मेंबर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ अब देखिए एमओ एमओ एमओसिस एमोबिक डाइसेंट्री, एमोबियसिस इज काज बाई एन एन एरो पैरासाइट एमोबिया एंटोमेबा हिस्टोलिटिका फाइलम प्रोटोजोआ अमीबा एंटअमीबास्टोली हिस्टोलीटिका एमोबियसिस कैन बी प्रेजेंट विथ नो माइल्ड आर सिवियर सिमटम्स सिम्ट में इंक्लूड एबिनल पेन डायरिया और ब्लडी डायरिया अब देखिए सिस्टो सिस्टोसोमियासिस सिस्टोसोमियासिस इज ऑल्सो नोन एज स्नाइल फीवर एंड बिलहारजिया स्नाइल फीवर एंड बिल हार्जिया इट इज काज बाई पैरासीटिक फ्लैटवॉर्म्स कार्ड ट्रैक आर इंटेस्टिनल में भी यूरीनरी ट्रैक आर इंटेस्टाइस में भी इन्फेक्टेड Symptoms include abdominal pain, diarrhea, bloody stool, or blood in urine. In developing countries, due to unsafe potable water and lack of sanitation, the malaria, dysentery, and cystosomiasis. द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक वाइड स्प्रेड आकरेंस ऑफ एन of an इज ए इन ए कम्युनिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अब देखिए फेसियोलियासिस, लिवर रॉट फेस्यूलियासिसिस लिवर राट इज ए पैरासीटिक व इन्फेक्शन काइड बाई लिवर फ्लूकिस अर्थात फाल्सियोला हेपाटिका एंड फाल्सियोला गिगांटिका इट अफेक्ट्स ह्यूमन बट इट इट्स मेन होस्ट इज रूमिनेंट्स सच एच कैटल एंड सीप ये मुख्यतः पशुओं में होती है लेकिन मानव को भी प्रभावित कर सकती है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों पीपुल यूजली बिकेम इंफेक्टेड बाई ईटिंग रा वाटर क्रेस और अदर वाटर ग्रोन प्लांट्स कंटामिनेटेड विथ इमेच्योर पैरासिटिक लार्वा द यंग वर्म मूव थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल द एबडोमिनल केविटी एंड द लीवर टिश्यू इन टू दाइल डिम्टम्स ऑफियो फेसियोलिया इन ह्यूम आर फीवर स्वीटिंग लॉस ऑफ वेट एबडोमिनल पेन चलिए आगे चलते हैं दोस्तों न्यूरोसाइटिसरोसिस सर्कोसिस न्यूरोसाइटी सर्कोसिस, न्यूरोसाइटी सर्कोसिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन आफ एक्स, ऑफ टेनियालियम दैट इज पोर्क टेपॉर्म यूजली ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ फूड बाय पीपल विथ विथिस इट इज़ द पैरासा पैरासिटिक डिजीज इट इज़ द पैरासिटिक डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द मेन काज ऑफ एक्वायर्ड एपिलेप्सी एंड द मेन काज ऑफ एक्वायर्ड एपिलेप्सी इट इज ए लीडिंग काज ऑफ सिच्योर एंड एपिलेप्सी इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड मोस्ट कॉमन पैरासिटिक डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम टेनिस चैंपियन लियंडर पेस वाज सफरिंग फ्राम ए पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ टेनिया सोलियम टी सोलियम इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाई कंजम्पन ऑफ रा आर अंडर कुक्ड पोर्क प्रोडक्ट आर कंटामिनेटेड वाटर विथ इट्स एग्स ठीक है न प्रोडक्ट आर कंटामिनेटेड वाटर विथ इट्स एग इट नोट वर्दी दैट फास्यूला एंड टेनिया आर द मेंबर ऑफ फ़ाइलम प्लेटी प्लेटी फाइलमिथसम इन ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी स्पेसीज ऑफ फाइलम राउंड वर्म्स आर एज वर्म काजिंग डिफरेंट डिजीजे चलिए अब देखते हैं दोस्तों फाइलेरियासिस के बारे में फाइलेरिया के बारे में फाइलेरियासिस इज ए पैरासिटिक डिजीज काज बाय एन इन्फेक्शन विथ राउंड वर्म नेम्ड उचेरिया बैंक्रोप्टी तो फाइलेरियासिस इज ए तो हो गया दोस्तों फाइलेरियासिस एन इन्फेक्शन विथ राउंड राउंडरिया बाई क्रोप्ती फाइलेरियासिस इज ऑल्सो नोन एज इलेंटिया इन इलेफेंटियासिस द लिम्फ ग्लैंड बिकम सोलेन उचिरेलिया बैंक्रोप्टी कैन अफेक्ट द लेग्स आर्म्स उलवा ब्रेस्ट्स एंड स्क्रोटम काजिंग हाइड्रोसील फॉर्मेशन काजिंग हाइड्रोसील फॉर्मेशन द फीमेल क्यूलेक्स द फीमेल क्यूलेक्स मास्किटो ठीक है ना फाइलेरिया में क्यूलेक्स होता है एक्ट एज ए वेक्टर इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज चलिए अब चलते हैं ऑस्केरियासिस ऑस्केरियासिस इज ए डिजीज इन्फेक्शन ऑफ इन स्मॉल इंटेस्टाइन काइड बाय द पैरासिटिक राउंड वर्म्स ऑस्केरियासिस लुम्बरी को A person can become infected with ascariasis after accidentally ingesting the eggs of a asperia uh, asperis lumbrioceides, stick now, lumbricoides roundworm. The egg can be the egg can be found in soil contaminated by human feces. the eggs can be found in soil contaminated by human feces or uncooked food contaminate, uh, contaminated by soil that contains roundworm eggs. children are often become infected when they put their hands in their mouth after playing in contaminated soil. ठीक है ना ये देख रहा है कि जमीन से भी ये बीमारी फैल जाती है द सिम्टम्स ऑफ ऑस्केरियासिस आर कॉफिंग आर गेजिंग कफिंग आर गेजिंग विजिंग आर शार्टनेस ऑफ ब्रीथ चलिए आगे चलते हैं दोस्तों ब्लड इन म्यूकस चेस्ट डिसकम्फर्ट एबडोम स्वेलिंग एंड पेन डायरिया अब देखिए राउंड वर्म कैन काज नाउसिया वोमिटिंग लॉस ऑफ अपेटाइट एंड ग्रोथ इंपेयरमेंट इन चिल्ड्रेन ड्यू टू मल एब्जार्बन ंथिक अंथेल मिन्थिक मेडि मेडिकेशन ड्रग्स दैट रीड द बॉडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स सच एच किनोपोडियम ऑयल अल्बेन्जाडोल एंड मेबेजाडोल जोल अल्बेन्डाजूल एंड मेबेंजा मेवेंडा जूल आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्केरियास ये दोस्तों अलविंडा जूल दवा जो है दोस्तों आदमी को छः महीना में साल भर में एक बार खा लेना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग का जो पैरासिटिक डिजीज खत्म हुआ ठीक है ना दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज मलेरिया से कौन सा स्प्लिन मलेरिया जो दोस्तों को प्रभावित करती है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड मोस्ट कॉमनली बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट मुस्कैरियर इज फीमेल एनाफिलिज मास्किटो फीमेल एनाफिलिज मास्किटो द स्पलीन विच आफ्टन बिकम्स इन लार्ड इन मलेरिया इज मोस्ट इन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी क्यूनाइन इज ए एज ओल्ड ट्रेडिशनल ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया अदर इफेक्टिव ड्रग्स आर ड्रग्स आर कामागुन डराप्रीम कामाग्युइन डराप्रीम रेसोचिन इटीसी ठीक है न मागुन डराप्रीम रेसुचिन इटीसी अब देखिए क्या कह रहा है करियर ऑफ पैरासाइट प्लाज्मो प्लाज्मोडियम इज तो प्लाज्मोडियम का करियर आपसे पूछ रहा है बताइए कौन होगा तो ये होगा दोस्तों मॉस्किटो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करियर ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम तो यहाँ पर भी मास्कीटो हो जाएगा इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है देखिए जे पीसीएस एस सी पूछा गया है यहाँ पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू तो मलेरिया और डेंगू में कौन कॉमन नहीं होता है ये आपको बताना है तो मलेरिया और डेंगू में दोस्तों मॉस्कीटो स्पेसिस डिफरेंट होती है मलेरिया में अभी देखें एनाफिलीज होता है ठीक ना फीमेल एनाफिलीज और जबकि डेंगू में होता है दोस्तों एडिज एजिप्टी तो मलेरिया में होता है एनाफिलीज और डेंगू में एजिप्टी चलिए आगे चलते हैं दोस्तों देखिए क्या कह रहा है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ फीमेल मास्किटो वाइल्ड डेंगू इज फ्रॉम फीमेल एडिज अजिप्टी तो डेंगू में एडिज हो गया मलेरिया में एनाफिलिज हो गया मास्किटो एक दिस पचीस एले एलिफैंड इज ऑल्सो बाई मास्कटो एंड एलोफीवर ऑल्सोटो तो आप याद रखिये आप ठीक है न क्या याद रखेंगे कि मलेरिया में कौन होती है एडिज होती है एनाफिलिज होती है ठीक है ना फीमेल एनाफिलिज और डेंगू में दोस्तों एडिज एजिप्टी चलिए आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय प्रोटोजोआ आपको यह बताना है कि इसमें से कौन प्रोटोजोआ के कारण होती है तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होती है मलेरिया इज कास्ट बाई प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम एंड इट्स कैरियर इज फीमेल व्हिच इज सेकेंडरी होस्ट विच इज सेकेंडरी होस्ट विच डिजीज एमच इज स्प्रेड बाई प्रोटोजोआ देखिए सीधे आ जाएगा आपको मलेरिया इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे ठीक है ना देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मलेरिया मलेरिया से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इट इज स्प्रेड बाई मॉस्किटो ये सही है इट स्प्रेड मोस्टली इन स्वयंपी रीजन बाई स्वयंपी दलदली जहां पर मॉस्किटो जन्म लेगा वहीं पर तो फैलेगी फार इट्स ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन इज इट ये तीनों सही है इट इज ये डिजीज काज बाय इंसेक्ट पैरासाइट ये दोस्तों ट्रू नहीं है ठीक है ना मलेरिया डिजीज इज काज प्लाज प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच इज ए प्रोटोजोआ नॉट ट्रू प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच इज ए प्रोटोजोआ विच ऑफ़ द फॉलोइंग पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द केसेस ऑफ मलेरिया इन इंडिया इंडिया में दोस्तों जो मलेरिया होती है वो किस प्रकार की होती है परसेंट, पी वी वैक्स प्रकार की विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द केसेस ऑफ मलेरिया इन इंडिया ये पी वी वैक्स प्रकार की होती है चलिए आगे चलते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स इज ए प्रोटोजुवन पैरासाइट एंड ए ह्यूमन पैथोजन प्लाज्मोडियम विवैक्स द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड काज ऑफ रिकरिंग मलेरिया पी विवैक्स इज वन ऑफ द फाइव स्पीसीज ऑफ मलेरिया पैरासाइट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट केसेज ऑफ मलेरिया इन इंडिया एक्चुअली प्लाज्मोडियमैक्स आकर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द मलेरिया केसेज इन एशिया एंड साउथ अमेरिका एशिया एंड साउथ अमेरिका चलिए आगे चलते हैं हुइंटिस्ट हुट मलेरिया इज काजमोडियम पैरासाइट अब बताइए मलेरिया इज कास्ट बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट तो ये रोनाल्ड रोस थे दोस्तों जो बताया कि मलेरिया जो होती है दोस्तों प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होती है रोनाल्ड रोस ए डॉक्टर इन इंडियन आर्मी फर्स्ट ऑब्जर्ड ओसिट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो ही ऑन द नोबल प्राइज in 1902 for this work on malaria. तो आप जानते हैं ना 1902 में कौन था यहाँ पर अंग्रेज रहते थे उसी की बात कर रहा है सर रोनाल्ड रोस ए डॉक्टर इन इंडियन आर्मी फर्स्ट ऑब्जर्व ओसिट्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन द फीमेल एनाफिलिज मास्कीटो ही ऑन द नोबल प्राइज पर तो इनके लिए नोबल प्राइज भी मिला चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आइए द डिजीज के कारण कौन सी होती है दोस्तों दोस्तों फाइलेरिया होती है द दे। डिजीज दे। काइड बाय निमेटोड्स फाइलेरिया तो अब देखिए फाइलेरियासिस इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन गायड बाई थ्रीड लाइक लिमिटेड फाइलेरिया दैट बिलोंग टू राउंड वर्म सुपर फैमिली राउंड वर्म सुपर फैमिली फैमिलीरियोडिया दिज इन्फेक्शंस आर कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज सच है सब सहारन अफ्रीका साउदर्न एशिया द वेस्टर्न पेसिफिक आइसलैंड्स ब्राजील एंड गुयाना तो सब सहारन अफ्रीका साउदर्न एशिया एंड वेस्टर्न पेसिफिक आइसलैंड्स ब्राजील एंड गुयाना। The disease spreads from person to person by female Culex mosquito. The disease spread from person to person by female Culex mosquito. Edema is one of the most common sy symptoms of filariasis and can lead to elephantiasis. Can lead to elephantiasis, which is characterized by thickened स्किन एंड मैसी स्वेलिंग मैसिंग मैसि स्वेलिंग अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों डिजिज एंड ऑर्गेनिज इसमें आपको मैच कराना है डिजिज एंड ऑर्गेनिज तो आप जानते हैं दोस्तों कि मलेरिया जो होती है प्रोटोजोआ के कारण होती है ठीक है ना और पोलियो बीमारी ये वायरस से होती है और टीबी जो होती है टीबरकुलस दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होती है और रिंग वर्म ये दोस्तों फंजाई के कारण होती है तो इस तरह से आपकी मैचिंग हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा ए फोर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा देखिए यहां पर करेक्टली मैट दिया है मलेरिया प्रोटोजोआ पोलियो माइलिटिस वायरस पोलियो वायरस के कारण होता है तो पोलियो का एक प्रकार है पोलियो माइलिटिस टीबरकुल बैक्टीरिया रिंग वर्म फंजाई अब देखिए क्वेश्चन नंबर बारह को मिलाइए क्या कह रहा है तो एड्स जो दोस्तों वायरस के कारण होता है आप सभी जानते हैं ठीक है ना मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होती है ये भी आप जान गए हैं ए थ्री एक ही से इसका काम क्या हो गया खल्लास हो गया ठीक है ना ए थ्री सॉरी बी थ्री अब आपको चलना पड़ेगा मिटाना पड़ेगा इसको ठीक है ना तो यहां पर दोस्तों B3 है B3 दो जगह दिया हुआ है ठीक है ना B3 दो जगह दिया हुआ है और मलेरिया प्रोटोजोआ डी फर्स्ट यहां पर भी दोनों जगह दिया हुआ है अब देखिए हम लोग को और देखना होगा आगे देखना होगा प्लेग जो होता है दोस्तों ये बैक्टीरियल डिजीज है प्लेग जो है बैक्टीरियल डिजीज है ए फोर ए फोर यहां पर दिया हुआ है इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा और बाल्डनेस जो होता है गंजापन ये किसके कारण है? ये फंगस से होने वाली बीमारियाँ है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों तीन चार प्रश्न और देखिए देखिए प्लेग जो हो गया बैक्टीरिया से हो गया एड्स वायरस से हो गया बाल्डनेस जो हो गया फंगस से हो गया और मलेरिया जो है दोस्तों प्रोटोजोआ से हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग सिकनेस हाइपेंस ड्यू टू किसके कारण से होती है बताइए स्लीपिंग सिकनेस जो होती है दोस्तों ट्राइपे ट्राइपेनोसोमा के कारण होती है ट्राइपेनोसोमा ठीक है ना यूनिसेलुलर एनिमल नेम्ड ट्राइपेनोसोमा सोने की बीमारी तो यूनिसेलुलर एनिमल नेम ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस अल्सो कार्ड ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस इज ए वाइल्ड स्प्रिड ट्रॉपिकल डिजीज दैट कैन बी फटल इफ नॉट ट्रीटेड sleeping sickness is caused by two different parasites uh, trypanosoma brucei rhodesiense and trypanosoma brucei gambians rhodesiense uh, and gambians it is spread by the bite of an infected cc फ्लाई तो सोने की मछली जो होती है आ, सोने की बीमारी जो होती है दोस्तों ये सीसी मक्खी के कारण फैलती है इट इज इस्ड बाई दाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई जीनस ग्लोसिना ये स्पेसिज ये स्पेसिज नेटिव टू तो द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट द सीसी फ्लाई बाइट इरप्ट इनटू टू ए रेड कोर रेड सोर the cc fly bite erupt into a red sore and within a few weeks person can experience fever swollen lymph glands aching muscles and joints aching muscles and joints headache and irritability चलिए आज का ये अंतिम से दूसरा प्रश्न है लाइए उत्तर भी दिखेगा कोई दिक्कत नहीं हमको देखना है

सिस्टोसोमियासिस मलेरिया एक्यूट डायरिया एंड सिस्टोसोमियासिस आर द थ्री मेन कम्युनिकेबल डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज काजड बाय अनसेफ वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन लियेंडर पेसवाज फोर्थ ऑफ द कोट ऑफ टेनिस इन 2003 आफ्टर ए प्रॉब्लम वाज डिटेक्टेड इन हिज ब्रेन व्हाट वाज द प्रॉब्लम ए सिस्ट उनके मस्तिष्क में दोस्तों एक सिस्ट मिला उसके कारण उनको कोर्ट से बाहर होना पड़ा समझिए कि आप बैटिंग बैट लेकर के मैंने लिंडर पेस जो दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस वाज फोर्स्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ टेनिस इन 2003 आफ्टर ए सिस्ट वाज डिटेक्टेड इन हिज ब्रेन ए सिस्ट इज ए क्लोज्ड साइक ंग एक्ट मेम्रेन एंड डिवीजन कंपेर्ड टू दियर बाई टिशूट इज ए क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट है साइक वन रेदर कॉमन इंफेक्शन इन इंडिया काजिंग सच एज ब्रेनलेसन इन इज सिर्कस लार्वा टेप वर्फ, ठीक है ना दोस्तों तो रहा आज का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ दोस्तों पैरासिटिक डिजीज खत्म होता है चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए धन्यवाद अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके शेयर कर सकते ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर ली ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद